हाय एवरीवन मु गणेश आपण समस्तंको स्वागत करुछि एसपी एजुकेशन रो यूट्यूब चैनल रे। आज रो ई वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी पिला मानकर प्रथम विषय शस्य उत्पादन ओ परिचालनार अभ्यास कार्य करबा तार प्रत्येकटी प्रश्नर उत्तर जानिबा। तो चलो वीडियो टी शेष पर्यंत देखो जहाँ फल तुम प्रत्येक प्रश्नर उत्तर सठिक उत्तर जानपर। निम्न प्रथम प्रश्न कौन रही देख निम्न बंधनी मध्य ठीक उत्तर अच्छी शून्य स्थान पूरण कर। यही बंधनी मध्य सब उत्तर अच्छी ये तुम्हें चार्ट जाक उत्तर आंसर लिख से कन्फ्यूज करने तुमको पांचटा ऑप्शन देती गोटे ऑप्शन यहाँ खाली रहा गोटे ऑप्शन या मध्य हेनी के जोड़े छटा ऑप्शन देती कन्फ्यूज करने बट तुम ये चारोटी ही आंसर आसव बुझिपार पांचटी आंसर सॉरी मुझे चारोटी कहली पांचटा आंसर आसव जेहेतु पांचटा कौन देती शून्य स्थान। प्रथम प्रश्न कौन देख क नंबर कौन से एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण में चाष करने को कौन कहुए आम बहर फास्ट पेज रे पढ़ी थे कौन से एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण में चाष करने को फसल कहा जाए। द्वितीय प्रश्न फसल उत्पादन पूर्व मृत्तिका डैश प्रथम पदक्षेप बढ़ते मृत्तिका प्रस्तुति कौन फसल उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति हो प्रथम पदक्षेप। ग नंबर नष्ट हो जा मंजी गुड़िक पानी उपरे डैश को लगे पानी उपरे भासिबा को लगे एडा बयार सठिक उत्तर कौन पानी उपरे भासिबा को लगे। घ नंबर प्रश्न फसल उत्पादन पर प्रचुर सूर्यालोक एवं डैश मूर्तिकास्त डैश आवश्यक तो फसल उत्पादन पर प्रचुर सूर्यालोक एवं जल दरकार कौन दरकार जल सहित मूर्तिकास्त खनिज लवण कौन दरकार मूर्तिकास्त पोषक पोषक व खनिज लवण जहाँ देखिए चलो बट यू आम ऑप्शन में पोषक अच्छी तो तुमको पोषक देखा पड़े तो कौन फसल उत्पादन पर प्रचुर सूर्यालोक एवं जल सह मूर्तिकास्त पोषक आवश्यक। तापर आम दुई नंबर देखा कौन रही स्तंभ मिलन करवा क स्तंभ को ख स्तंभ खरीफ फसल तो मैंने खरीफ फसल कौन हम तुम मैंने देख यूर गृहपात पशुर खाद्य तो खरीफ फसल नुहे आमर खरीफ फसल कौन धान आका कारण धान मका दुटा खरीफ फसल जाटा रबी फसल गहम बुटा मटर तापर रासायनिक सार क्या जीव यूरिया को सुपर फसफेट ये हूँ रासायनिक सार कौन यूरिया को सुपर फसफेट हो रासायनिक सार जैविक सार हूँ कौन प्राणीर मल गोबर मूत्र कौन प्राणीर मल गोबर मूत्र। तीन नंबर प्रश्न दुईटी कौन प्रत्येक दुईट लगे उदाहरण दि खरीफ फसल दुईट उदाहरण रबी फसल दुईट उदाहरण यहाँ बहुत इजी खरीफ फसल आम कौन लिखिपर कपा कपा धान लिखिपर चीनाबादाम लिखिपर चीनाबादाम कि धान लिखिपर कि आम चीनाबादाम लिखा चीना बादाम देन रबी फसल केते डाली जातीय अच्छे डाली जमी राशि राशि तापर कौन लिखिपर सोरिष सोरिष बुझिपार कि राशि सोरिष ये दुटा हूँ रबी फसल आ बाकी कपा चीना बादाम ये दुटा हूँ खरीफ फसल लिखिपर। तापर चार नंबर गोटे बा दुईट वाक्यर उत्तर दि जदि मुझे आंसर कह तुम मैंने लिखा प्रोब्लेम हो पारे किसी पिला किसी पिला भल से कौन किसी मिस्टेक हो पारे लिखा शुणी लिखे तो मुझे तुम मैं लेखिक आनी दीजिए कौन आंसर हो पढ़ी बुझेबी तुम माइंड रे फिट करी तेज तुम भिडियो देख तो चलो देखा यार आंसर कौन सब हम। चार नंबर प्रश्न देख गोटे बा दुईट पाखे उत्तर दि प्रथम प्रश्न रही सबुज सार क्या कहते सबुज सार क्या कहते ना सबुज उद्भिद पचिशढ़ी जो सार प्रस्तुत हुए सबुज सार कहते। ख नंबर प्रश्न कंबाइन मेसीन कार्य कौन कंबाइन मेसीन द्वारा धान काटिबा और उड़ाइबा उभय कार्य होता है। ग नंबर प्रश्न अमल पर मंजी को पवन उड़ा जाए कहीं ना अमल पर मंजी को पवन उड़ाइले एगाड़ी और धूस अलग हो जाए। घ नंबर प्रश्न उत्तम मंजी बाछब किपरी ना उत्तम मंजी को बाछवापी मंजी को प्रथम पाणी में भसाई दे जो मंजी गुड़िक पानी भाषा से गुड़िक खराब मंजी से गुड़ी बाद दे अन्य मंजी गुड़िक भल व उत्तम मंजी। शेष प्रश्न चार नंबर नंबर बुंदा जलसेचन कहले कौन बुझ ना बुंदा जलसेचन पद्धति में जल बुंदा बुंदा हो फसल मूल में पड़े एथिरे आदौ जल नष्ट हुए ना। पांच नंबर प्रश्न कौन देख संक्षेप निज भाषा लिख तो जहाँ रही संक्षेप चार्टा को निज भाषा लिखा मूर्तिका प्रस्तुति कौन ना मूर्तिका प्रस्तुति लिखिपर शस्य उत्पादन पूर्व मूर्तिका प्रस्तुति हो प्राथमिक सोपान डबल आई देखिए कौन लिख उन्नत कृषि मुख्य उद्देश्य है मूर्तिकार स्थानातरण और मूर्तिका को हाल्का करवा ट्रिपल आई पॉइंट देखिए लिखो माटी ओदाड़िया बेले हल कले सहजे माटी उपरतल होता है। फोर पॉइंट फोर पॉइंट आई भी हल समय बाहरी पड़ता बड़ बड़ माटी टेला खंड को माटी खंड को टेला कहती माटी टेला को काठ बाउंश तैयारी काठ काठ और बाउंश मई द्वारा गुंड कर समतुल कराए। भी पॉइंट कौन लिख बेले बेले मूर्तिका प्रस्तुति बेले
हल समय जमीन में सार प्रयोग कर लास्ट पॉइंट जमी को चाष कला बेल एथर घास चेका गुड़िक बाछी फोपाड़ी दि जाए तो मूर्ति प्रस्तुति ये तुम लिखिपर तपर खबर आम आसा कौन मंजी बुणा गड़े अच्छी तृण कदम उइनई मंजी बुणा विषय कौन लिखा ना मंजी बुणा पूर्व मंजी को जल में भसाई उत्तम मंजी बछा जाए तापर उन्नत मान बिहन अधिक अमलक्षम यहाँ अधक लिखा है अधिक अधिक अमलक्षम परिष्कार शुष्क उन्नत किसम होगा आवश्यक कौन बिहनटी परिष्कार शुष्क उन्नत किसम होगा आवश्यक ट्रिपल आई नंबर पॉइंट एवं पारंपरिक जंत्र द्वारा मंजी बुणा पद्धति समय सापेक्ष व्ययबहुल तेणु ड्रिलिंग जंत्र द्वारा कम खर्च में कम समय मंजी बुणा कार्य करने आवश्यक यह फल कौन हम ना मंजी गुड़िक सामान भाव में ठीक दूरतार और सामान गभीरतार पड़े ता सहित मंजी उपर मटी घोड़ाई हो पक्षी मैंने मंजी को खाईपारती ना ता सहित एथिरे समय कम लगे और मजूरी कम लगे कौन बर्तमान जो आधुनिक ड्रिलिंग जंत्र तृणक दमन तृणक दमन कौन अनावना भाव जमी में बढ़ुवा अनावना गच्छ को तृणक कहते अनावश्यक भाव में अनावन भाव में जमी में बढ़ुवा अनावना गच्छ को तृणक कहते तृण गुड़िक चाष जमी निर्मूल करने को तृणक दमन कह जाए फूल और मंजी धरने पूर्व तृणक दमन एकांत आवश्यक हाथ में तृणक गुड़ी उपाड़ी दमन कराईपे खुरपी बा मंजी ड्रिलिंग जंत्र द्वारा तृणक दमन कराए खुरपर कौन लिखा ना 2.2, 4.D आदि तृणकुमारी को पानी रे गोलाई जमीन सिंचन कले तृणक गुड़िक अल्प दिन में मरी जाती लास्ट पॉइंट लिखिपर तृणकुमारी प्रयोग बेले सिंचन करी व्यक्ति नाकपाटी को घोड़ाई सतर्क सहित सिंचन करवा आवश्यक जदि सतर्क सहित न करेंगे तेज से तृणक जब मनीष शरीर को जीव ताष भम कर घ नंबर पॉइंट विनोइंग विनोइंग विषय लिखा अमल होता दाना को कुला बा मेसीन साहय उड़ाई अगड़ा अगाड़ी बाहर करी बा अगाड़ी अलग करी मंजी संग्रह करने को विनोइंग कह जाए यही फल मंजी में धूस अगाड़ी न रही मंजी परिष्कार रहे क्या फल विनोइंग फल तो बर्तमान आम पांच नंबर सरला चल आम छः नंबर को जी छः नंबर प्रश्न कौन रही रासायनिक सार जैविक सार्ठू किपर पृथक यहीटा तुम बहर अच्छे यहाँ तुम पार्थक्य दर्शे पृथक मैंने कौन एपट लिख रासायनिक सार गार देखिए एपट लिख जैविक सार ये रासायनिक सार विषय लिखो ये जैविक सार विषय लिख तो चल ये बहर ही आम डायरेक्ट आंसर कर चल देख बहर कौटी अच्छी तो देख यूटा हूँ तुम से रासायनिक सार ये खत दे खतरा गोटे जैविक सार तो ये रासायनिक सार लिख ये जैविक सार लिख जो भी खत दे सब खत काटिदेव ये खत काट तापर जो भी खत जहाँ देत गुड़ाक आम काटिदेव तुम मैंने ताको छाड़ देकी जहाँ भी दे सब लिखिपर आम तो कौन लिखिपर रासायनिक सार अजैविक लवण ठीक अच्छे तापर तार अपोजिट लिखा जैविक सार बा हाँ लिख जैविक सार एक प्राकृतिक पदार्थ जहाँकि गोबर मनुष्यर बर्ज्यवस्तु उद्भिदर अवशेषर विघटन मिलता है एपट लिख कौन रासायनिक सार कारखाना प्रस्तुत हुए ये लिख खत नुह लिख जैविक सार जमी में प्रस्तुत हुए रासायनिक सार मूर्ति को कौन ह्यूमस दे न थाए तापर जैविक सार मूर्तिका को प्रचुर परिमाण ह्यूमस देते हैं कौन रहे ना रासायनिक सार उद्भिद पोषक जथा जवाखार्जन फस्फरस पोटासीयम आदि पोषक परिपूर्ण होता है यहाँ खत नुह लिख जैविक सारे उद्भिद पोषक अपेक्षाकृत कम परिमाण में थाए कि कहीदे तुमको लिखिपर खत प्रयोग फल मटर उपकारी अणुजीव संख्या वृद्धि हुए खत न लिख लिखिपर जैविक सार प्रयोग फल मटर उपकारी अणुजीव संख्या वृद्धि हुए किंतु एपट लिख रासायनिक सार प्रयोग द्वारा मटर उपकारी अणुजीव वृद्धि हुए ना तापर कौन लिखिपर ना अधिक जैविक सार जमीर उर्वरता बढ़ाए तापर एपट लिखी थोड़ा अधिक रासायनिक सार प्रयोग कले जमीर उर्वरता हराए यही तुम सब लिखिपर चार पॉइंट देखिए तुमको तीन पॉइंट कहली सतट पॉइंट लिखिपर तो बर्तमान आम देखा सात नंबर आम कौन क्वेश्चन देखिए देखा तार आंसर देखा आठ नंबर नौ नंबर आउ चार रहा चलो देखा सात नंबर प्रश्न पे कौन दे जलसेचन क्या कहते जलसेचन दुईट पद्धति वर्णना कर जो थे जल संरक्षण हुए तार उत्तर यहाँ इ नुह यहाँ उत्तर दिखाई बुझीपार कि यहाँ उ लिखा फल मिस्टेक टाइपिंग तो कौटी जी टाइपिंग मिस्टेक तुम्हें देखिकी ठीक करदेव तापर कौन रही निर्दिष्ट समय व्यवधान कौन लिख निर्दिष्ट समय व्यवधान में फसल को आवश्यक जल जोगाइबा को जलसेचन कह जाए जलसेचन दुईट पद्धति सेगुड़ी है स्प्रिंकलर पद्धति एवं बुंदा पद्धति यही दुईट पद्धतिर जल संरक्षण होता है कौन यही दुईट पद्धति जलटा संरक्षण होता है स्प्रिंकलर पद्धति विषय कौन लिख ना पर्याप्त जल पाऊ नथिबा असमतल स्थान रे छिंचा पद्धति जलसेचन कराए तापर कौन लिख ना लंबा पाइप निर्दिष्ट व्यवधान में घूर्णयमान नोजल खंजी पंप द्वारा पाइप दे जल गति कराइले पानी जमीन में वर्षा होगापर छिंचाड़ी हो पड़े
तापर रख बालिया जमी छिंचा पद्धति द्वारा जलसेचन करवा नितांत आवश्यक। तापर आसा बुंदा पद्धति, बुंदा पद्धति कौन लिखे ना यही पद्धति में जल बिंदु बिंदु हो उद्भिद मूल पड़े, फल गछ बगीचा अन्न्य गछ मूल बुंदा पद्धति जलसेचन करवा उत्कृष्ट उपाय। लास्ट पॉइंट लिखे बुंदा पद्धति जलसेचन जल आदौ नष्ट हुए ना, तेणु जल अभाव थिबा स्थान रे ए प्रकार जलसेचन सबुठ भल। आठ नंबर प्रश्न, वर्षा दिने गहम बुणिले कौन असुविधा हे? तो पे वर्षा दिने गहम बुणिले कौन हम ना गहम एक रबी जातीय फसल, गहम फसल कम जल आवश्यक करे, वर्षा दिने गहम चाष कले जमीन जला जल अधिक हेतु गहम गछ गुड़िक पची जाए, प्रबल वर्षा गहम अमल करवा असुविधा देखा जाए, तेणु वर्षा दिने गहम चाष कर जाए ना। तो कौन पे गहम चाष कर जाए चार पॉइंट लिखिपर। तापर नौ नंबर प्रश्न, बारंबार फसल चाष कला जमीर कि क्षति हुए? तो आई लिख कि यहाँ देख ये इ नुह उत्तर, तो यहाँ मिस्टेक दे। बारंबार जमीर फसल चाष कले मूर्तिकार कतोटी पोषक पदार्थ कमी थाए, जमीर बारंबार फसल चाष कले जमीर भी सार प्रयोग करने को पड़े, तेणु आवश्यकता कम बेसी सार प्रयोग द्वारा दुर्बल गच सृष्टि हुए। तापर पॉइंट लिख ट्रिपल आई रे डबल आई रे सार प्रयोग फल केतक उपकारी अणुजीव और जिया नष्ट हो जाए जमी तार उर्वरता हराए, ये लिखिपर नौ नंबर। तापर आसा दस नंबर, दस नंबर कौन देख तृण क्या कहते से गुड़िक किपर दमन कराए, कौन लिख ना फसल में अदरिकारी भाव में बढ़ुवा अनावना गछ को तृणक कहती, यह विभिन्न उपाय दमन कराए बहुत सारा उपाय कौन दमन कर गोटे एग्जांपल हाथ में तृणक गुड़िक उपाड़ी बाहर फोपाड़ी दि जाए, खुरपी व मंजी ड्रिलिंग जंत्र द्वारा तृणक गुड़ी मारी दि जाए उपाड़ी दि जाए। तापर आउ गोटे पॉइंट लिखे कौन केतक तृणक मारी रासायनिक पदार्थ जता 2.4.D तापर आदि को जल रे गोली सतर्कता सहित सिंचन कले सिंचन द्वारा कौन तृणक गुड़िक मरी जाता। तो बर्तमान आम दस नंबर आलोचना कले, एगार नंबर चल देखा कौन रही क्वेश्चन। एगार नंबर प्रश्न कौन रही देख कि आखु उत्पादन फ्लो चार्ट देखापी निम्नलिखित बाक्स गुड़िक कर्म सजाओ, अर्थात मन कर तुमको आखु चाष करवाक हम तुम्हें प्रथम कौन करतापर कौन करतापर कौन कर ये कौन कौन हम कितु आम गोटे कर्म गोटे सीरीज रे लिखा। तो प्रथम कौन हम प्रथम आम हल करवा, तो यहाँ एक नंबर रख हल तीरचिन्ह दब तलू को कि सैड को तीरचिन्ह दब हल करापर कौन कर लगे आखु लगे यहाँ दुई यहाँ एक नंबर दब तर तीरचिन्ह देमती ये लिख दुई नंबरटा यहाँ सेकेंड लिख लगेला कौन हम लगे सारापर से सार दब तीन नंबर से सार प्रयोग कर सार प्रयोग कर सारापर से कौन कर जल ताक दब जलसेचन चार नंबर रे पांच नंबर रे थरी पे आम आग हल करने पूर्व कौन मूर्तिका प्रस्तुति करवा। तो मुझे छाड़ी देती मूर्तिका प्रस्तुति एक नंबर रोर ये मिस्टेक है एक नंबर मूर्तिका प्रस्तुति दुई नंबर में हल कर तीन नंबर में लगे चारि नंबर में सार प्रयोग कर पांच नंबर में जलसेचन कर छ नंबर में अमल कर सात नंबर में आखु कारखाना को पठेब एमती ही हम। तापर बर्तमान बार नंबर अच्छी निम्न दिया सूत्र प्रयोग कर धंदा शब्द धंदा को पूरण कर जमी को चाष करवा, जमी को चाष करवा कौन कह जाए जमी को चाष करवा कौन कह जाए जमी को चाष करवा देख तलु ऊपर को मानने एमती आम लिखा तलु ऊपर को जमी को चाष करवा कौन कह जाए तलु ऊपर को कौन हो पार तुम मैंने भाव हल करवापर तो ये हि ल यहाँ लिख हल यहाँ लगे कौन हल कर बुझिपार केमती हल कर बुझीपार ना बुझीपार ना ये ह अच्छी एटी ल लिख हल ये क ये रि ये बा अच्छी हल करवापर तो यहाँ ल होगा तर ये कौन लिख ये ज ल से चन जल से चन तो होगा जल से चन ये दुई रे कौन लिख दुई रे कौन अच्छी देख तलू ऊपर को दुई रे तलू ऊपर को दुई रे अणुजीव द्वारा पचिश जावा अणुजीव द्वारा पचिश जीव को कौन कह पे पचन पचन लिखिपर ये प लिख यहाँ हम पचन यहाँ हम जलसेचन यहाँ हम हल करवा आईटा कौन हम अनागना गच को निर्मूल कर बाछवा ये बा अच्छी ये लिखिदेव छिबा ये लिख छी लिखा बा बुझिपार जो न बुझीपार आउ थे कहटा लिख हल करवा कौधाटीटा यहाँ लिख हल कर लिखि सारल यहाँ लिख पचन तापर यहाँ लिख जलसेचन तापर यहाँ लिख बाछवा होगा कम्प्लीट। तो इतिक्रे आम अभ्यास कार्य सरला देखा परवर्ती वीडियो रे रहुची जय जगन्नाथ बंदे उत्कल जननी।